नमस्कार, पाइस एंड नाइस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक सूजी का आलू का नाश्ता बनाया, देखिए कितना अच्छा से बन गया है। चलिए इसके लिए क्या क्या चीज़ लगा है, कैसे बनाया है, चलिए बना के दिखाते हैं। मैंने एक सूजी का नाश्ता बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ये एक कप सूजी लिया है और आधा कप दही लिया है। उसके फिलिंग के लिए मैंने ये दो छोटा आलू, एक बड़ा आलू लिया है और एक गाजर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा बीन्स काट लिया है, थोड़ा धनिया काट लिया है, एक इंच अदरक घिस लिया है, तीन चार हरी मिर्ची छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक बड़ा प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैंने एक ये बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने सूजी और दही मिला के अभी 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दूँगी, उसके बाद मैंने मसाला डालूँगी उसमें। मैं ये आधा कटोरी पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंद लूँगी इसको, अच्छा सा स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी इसका। मैंने गूंद लिया है, अब मैं इसको रेस्ट दूँगी 15 से 20 मिनट, उसके बाद उसके लिए मैंने आलू बना के दिखाते हैं कैसे बनाते हैं आलू। ये मैंने आलू के लिए एक कढ़ाई ले लिया है, अब मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी। अभी मेरा तेल गरम हो गया, मैं 1 चम्मच सरसों डाल दिया है, सरसों को चटकने देंगे। अब मेरा ये सरसों चटक गया है, अब मैं कड़ी पत्ता डाल दिया है, उसके बाद प्याज। गैस मैंने हल्का रखा है, प्याज थोड़ा फ्राई हो जाए, उसके बाद ये मैंने अदरक कद्दूकस करके रखा था ये मैं डाल दिया है। अभी मैंने हरी मिर्ची काट के रखा था ये मैं डाल दिया। अब मैंने गाजर और बीन्स एक साथ काट के जो रखा था मैंने ये गाजर बीन्स डाल दूंगी, अब इसको अच्छा से पकाऊंगी। गैस मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया, लीड लगा के 1 से 2 मिनट पक। अब मैं ढक्कन हटा के, अब मेरा ये सब्जी पक गया। मैंने जो आलू लिया था वो आलू को मैंने अच्छा से मैश कर लिया है। अभी आलू को अच्छे से मिलाएंगे सब्जी के साथ। अब मैं मसाला डालती हूँ, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मैं अच्छा से मिला लूंगी। ये मेरा बन गया है, अब मैं ऊपर से इसमें धनिया डाल के और एक बार अच्छा से मिला लूंगी। अब ये मेरा बन गया है, मैंने गैस बंद कर दिया, अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूंगी। मेरा ये सूजी जो है वो फूल गया है, अभी ये मेरा 20 मिनट हो गया ये फूल के तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा, थोड़ा गाढ़ा हो गया है।
अब मैंने एक ये टीन ले लिया है, इसमें मैंने तेल लगा लिया है, चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लिया है इसको, तो मैं इसमें ही बनाऊंगी। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिला लेंगे नमक को। अब मैंने एक चौथाई चम्मच छोटे चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, आप चाहे तो इनो डाल सकते हैं इसमें। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें टिन में ट्रांसफर कर रही हूँ इसको। जो आलू का मसाला बनाया था इसको ऐसे बीच में रख देंगे अच्छे से, हाथों के सहायता से दबा के अच्छे से। और ऊपर से मैंने इसको कवर करना है जो बैटर बचा था। अब ये मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया था, इसमें पानी डाल दिया था और मेरा पानी स्टीम हो गया है। अब मैं इसको एक स्टैंड रखा है अंदर, मैं इसको रख के ये ऊपर से मैंने एक थोड़ा ऊंचा वाला कवर ले लिया है। अब मैं 10 से 15 मिनट इसको स्टीम करूँ, मीडियम गैस में 10 से 15 मिनट इसको स्टीम करूँगी। अब ये मेरा 15-20 मिनट हो चुका है, मैंने इसको चेक करके देखना है अभी कैसा है ये। ये देखिए ये फूल गया है, तो मैं एक चाकू गाड़ के देखता हूँ ये हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए मेरा चाकू जो है ये साफ आ रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है। तो अब मैं गैस बंद कर दूँगी, अब इसको निकाल के ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए ठंडा हो गया है, ये साइड भी छोड़ दिया है। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा निकल गया है, अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से। ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालूँगी। जो है घी को चारों तरफ फैला के ऐसे गोल्डन होने तक दोनों साइड पका लूँगी अच्छे से ब्राउन कलर। ये देखिए मैंने चारों तरफ इसको गोल्डन कलर फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चारों तरफ पलट के फ्राई कर लिया है गोल्डन कलर। अब मैं इसको एक बर्तन गैस बंद कर दिया, एक बर्तन में निकाल लेती। ये देखिए कितना अच्छा से बन गया है, अब मैं इसको काट के दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देखिए ये मेरा अच्छा से बन गया है। ये रेसिपी आप सबको अच्छा लगा तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़।